आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग फोटोशॉप में वीडियो के ऊपर टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, प्लस ग्राफिक यानी इमेज कैसे लगाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग में देखिएगा, वीडियो रहता है उसके ऊपर देखिएगा टेक्स्ट रहता है, टाइटल रहते हैं, प्लस वहाँ पे कुछ तस्वीर अगर चाहिए वीडियो के ऊपर तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। तो सिंपल सा ये आप कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, देख सकते हैं एक वीडियो है, प्लस यहाँ पे टेक्स्ट भी देखिए मूव कर रहा है, प्लस फोटो देख सकते हैं पीछे वीडियो लगा हुआ है, नॉर्मल से एक यहाँ पे वीडियो क्लिप है। और ये मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप 2021 का फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, फोटोशॉप 2021 का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आज आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या करना होगा आपको। तो फिलहाल ये जो पेज है इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसको मैं नो कर देता हूँ। अब होता क्या है देखिएगा, जब फोटोशॉप को ओपन करेंगे 2021 या 20 के अंदर क्या होता है, फाइल में जाके यहाँ से भी न्यू कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू पे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिएगा न्यू डॉक्यूमेंट का एक इस तरह से विंडो खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं। तो हमें करना है क्या है, वीडियो एडिट करना है। तो यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ देखिए फिल्म एंड वीडियो, इस पे इस यहाँ पे हम लोग इस टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से किस साइज़ का आपको वीडियो बनाना है, HD फॉर्मेट बनाना है, किस साइज़ का, अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 1280x720 ये फॉर्मेट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप HD TV के लिए 1920x1080 पिक्सल ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेट साइज़ है आप यहाँ पर ले सकते हैं। अल्ट्रा HD है, देख सकते हैं बहुत सारे साइज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल सा ये 1280x720 का जो वीडियो एडिटिंग यूट्यूब के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है, इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में आप देखिएगा ये यहाँ पे उसका साइज़ दिया, चौड़ाई दिया हुआ पिक्सल में 1280x720 का रिजोल्यूशन 72 रखा है। यहाँ पर कलर मोड RGB है, बैकग्राउंड है उसका कलर वाइट रखा, बाकी जो सेटिंग है एज इट इज़ है। अब यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से जैसे हम लोग एक पेज लेते हैं, कैनवास लेते हैं, नॉर्मल से एक पेज इस तरह उभर कर आ जाता है। इसको चाहे तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जैसे आपको अच्छी तरह दिखाई दे। यहां पे जूम टूल है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, शॉर्टकट भी है लेकिन मैं जूम टूल का फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो भी आपका टेक्स्ट मैटर जो रहेगा, इसके अंदर जो मेन एलिमेंट जो होना चाहिए वीडियो जो क्लिप रहता है देखिएगा, तो उसमें कुछ खास खास जैसे कोई मान लेते कोई ऐसा कुछ सीन है जिसमें खास कोई चीज़ है जो दिखाना चाहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको इसी फ्रेम के अंदर हम लोग ये जो आपको देख सकते हैं गाइडलाइन इसी के अंदर हम लोग रखते हैं, और इसके अंदर ही टेक्स्ट वगैरह मैटर रहेगा। अब क्या करना क्या है, आप यहाँ तो पेज आ चुका है, अब यहाँ पर ये जो मेनू बार है यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे विंडो में जाना है। जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा टाइमलाइन दिया हुआ है। अब टाइमलाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे एक टाइमलाइन का इस तरह का विंडो खुलकर आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं इस तरह से। अभी फ़िलहाल कुछ भी आपको यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे ट्रैक दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे देखिए क्रिएट वीडियो टाइमलाइन यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रैक दिखाई देगा लेयर के, यहाँ पे लेयर वन, जिस तरह हम लोग लेयर राइट हैंड साइड में फोटोशॉप के अंदर देखते हैं यहाँ पे लेयर दर लेयर रहता है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेयर दिखाई दे रहा है। हम वहाँ पे देखिएगा जब फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट का लेयर दिखाई देता है जो लॉक रहता है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने पेज लिया था ये 1280x720 का, तो वहाँ देखिएगा एक लेयर और यहाँ पर एक बैकग्राउंड लिया था, कलर लिया था वाइट वाला, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, और सेम वही देखिए 0 लेयर पे ये वाला बैकग्राउंड वाला ये वाला दिख रहा है। अब आप चाहें तो इसको कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो ये कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन रहा सवाल, अब हमें वीडियो लाना है, तो वीडियो लाएंगे कैसे भाई, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो लाना होगा। तो यहाँ पर 0 जो लेयर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एड मीडिया का बटन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब मान लेते हैं कोई वीडियो मुझे लेना है यहाँ पे, अगर है वीडियो तो मैं यहीं से ले लूँगा, नहीं है डेस्कटॉप पे जाते हैं हम लोग, अब यहाँ से एक वीडियो क्लिप हम लोग लेते हैं जो हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, WMV फाइल है, आप चाहें तो यहाँ भी एक फाइल देख सकते हैं। ये बहुत बहुत बार मैंने यूज़ कर लिया इसलिए मैं इसको नहीं लूँगा, MP4 में है, तो नॉर्मल से ये वाला एक वीडियो क्लिप है, इसको मैंने ओपन पर क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के बाद देखिएगा वो वीडियो क्लिप ठीक जिस जगह आपका टाइमलाइन रहेगा ठीक उसके बगल में ये वाला तो वाइट वाला जो पेज है ये दिख रहा है ठीक यहाँ पे देखिए। इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लिक करके ये देखिए थोड़ा सा चाहे तो इसको हम लोग इस तरह जूम भी कर सकते हैं जिससे आपको दिखाई दे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला है तो इसको मुझे आवश्यकता नहीं है ये बैकग्राउंड वाला, तो इसको जो लेयर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ से इस तरह ड्रैग करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब सिंपली आप देख सकते हैं उसको डिलीट करने के बाद देखिए मेरा ये वीडियो क्लिप यहाँ पे आ चुका है। अब इसको प्ले करना सभी को पता है, यहाँ से ये जो बटन दिया है प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा ये देखिए वीडियो क्लिप ये प्ले हो रहा देख सकते हैं, ये चल रहा देख सकते हैं, थोड़ा स्लो काम कर रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये प्ले हो रहा है। अब रहा सवाल ये तो वीडियो क्लिप हम लोगों ने यहाँ पे लेकर आ गए, अब इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे टेक्स्ट कैसे लगाएंगे। तो अगर इसके ऊपर लिखना है तो एक और हमें ग्रुप तैयार करना होगा, तो यहाँ पे पहले से देखिए एक वीडियो ग्रुप यहाँ पे तैयार है, इसके ठीक यहाँ पे बटन दिया हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे ऐड, यहाँ पे दिया देखिए न्यू वीडियो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो इस वीडियो के बाद भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं लेकिन मुझे इसी वीडियो के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे एक न्यू वीडियो ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे। तो देखिए ठीक इसके ऊपर देखिए एक वीडियो ग्रुप 2 नाम से यहाँ पे आ चुका है और लेयर का पैलेट में देखिएगा यहाँ पे देखिए वीडियो ग्रुप 2 आ चुका है। अब इसके यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेना है लिखना है, तो यहाँ से नॉर्मली जैसे हम लोग फोटोशॉप में टेक्स्ट लिखते हैं सेम उसी तरह से हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो आपका टाइप टूल है इस पर क्लिक करके जो भी आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है वर्टिकल टाइप टूल जो आप जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का यूज़ करूँगा, इस पर क्लिक किया अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइज थोड़ा छोटा हो सकता है अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं यहाँ पे नॉर्मली टाइप करता हूँ जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GAUTAM गौतम लिख दिया KUM ये यार कुमार लिखा लेकिन अभी देखिए दिख नहीं रहा एकदम छोटा सा, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब साइज़ में यहाँ से इस तरह से भी आप बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए 48 ले लिया देखिए बड़ा हो गया, और अगर बड़ा करना है तो 60, अगर इससे भी बड़ा करना है तो कंट्रोल टी वाला जो प्रोसेस होता है सेम उसी तरह हम लोग इसको ड्रैग करके इस तरह बड़ा हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर आपको लगता है नहीं फॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो नॉर्मली जैसे फोटोशॉप में हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐसे करके यहाँ से फॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं। कोई यहाँ से अब जैसे मान लेते हैं ये वाला फॉन्ट एक मोटा सा जैसे ये फॉन्ट जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, ये देखिए ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको ले लिया। कलर जैसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैं ये येलो कलर लूँगा तो येलो ले सकता हूँ। जैसे आप नॉर्मली फोटोशॉप में काम करते हैं टेक्स्ट रिलेटेड आप इसमें इफ़ेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जिस जगह भी आप रखना है यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया देखिए मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका। अगर नहीं दिख रहा है तो अगेन आप इसको चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट कर, येलो दिख नहीं रहा है तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं दूसरा कलर लूँगा तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी मैं जैसे ये कलर ये अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यूज़ कर लिया यहाँ पर ये देखिए कलर। अब इसको चाहे तो आप यहाँ से इसे घुमाना है इसको तो यहाँ से इसको आप घुमा भी, आर्क वगैरह जो लगाना है इस तरह आप आर्क अपर कर देते हैं इस तरह से, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अप्लाई कर दिया ये देखिए मैं टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। कलर थोड़ा सा इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ रेड ही जाएगा अच्छा। अगेन मैं इसको क्लिक यहाँ से मैं रेड कलर ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे, तो वाइट करूँगा तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। अब आप चाहते हैं मेरा वीडियो क्लिप यहाँ से लेकर यहाँ तक है लेकिन मैं टेक्स्ट देखिए यहाँ आने के बाद जब वीडियो प्ले होगा यहाँ आने के बाद देखिए ध्यान से उसके बाद मेरा ये टेक्स्ट दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहीं तक है, मतलब इसको थोड़ा सा आप चाहें तो इस तरह ड्रैग करके क्लिक करके यहाँ से इसको ड्रैग करके जितना लंबा आपका वीडियो क्लिप है सेम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका ये टेक्स्ट मेरा दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि नहीं स्टार्टिंग में मैं टेक्स्ट ना दिखाई दे तो इस तरह ड्रैग कर दीजिएगा, ये देखिए इस तरह आप ड्रैग करके इसको इधर भी मूव करा सकते हैं, ये देखिए मैं इसको इधर मूव करा दे रहा हूँ। तो अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे आपको जिस जगह मेरा टाइमलाइन है वहाँ पे देखिए आपका ये सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे वीडियो दिख रहा है लेकिन यहाँ से देखिए मेरा ये उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट मेरा दिख रहा है। अब रहा सवाल कि भाई ये तो हम लोगों ने टेक्स्ट लगा दिया है, अब मान लेते हैं मुझे ग्राफिक लगाना है, तस्वीर लगाना है, इमेज लगाना है तो कैसे लगाएंगे? सेम वही टेक्निक है, यहाँ पर ग्रुप 2 है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू दिया हुआ है न्यू वीडियो ग्रुप, इस पर क्लिक किया एक नया और ग्रुप यहाँ पे तैयार हो गया ठीक। इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ऐड मीडिया है, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मान लेते हैं मुझे तस्वीर लगाना है तो यहाँ से एक तस्वीर मैंने लेना है मुझे, तो यहाँ पे वीडियोज़ है 4K
फोटोज़ फॉर ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा तस्वीर दिया हुआ, जैसे ये तस्वीर मुझे लगाना है, ये ग्राफिक, ये तस्वीर मुझे ओपन पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन देखिए फ़ोटो काफ़ी बड़ा है इसलिए पूरा का पूरा जो मेरा फ्रेम है वीडियो का पूरा ये ढक गया। तो इसको हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप में हम लोग स्केलिंग करते हैं कंट्रोल टी करके, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑटो स्केल का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके इस कॉर्नर से ड्रैग करके ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसको इस तरह आप स्केलिंग भी इसको आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको स्केलिंग इस तरह से कर सकता हूँ। अब इसको यहाँ तक स्केलिंग करके मैं इसको लगाना है, ये देखिए यहाँ पे मुझे इस कॉर्नर में लगाना है, लगा दिया, देख सकते हैं। लगाने के बाद इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर दिया। अब देखिए जो तस्वीर है देखिए टेक्स्ट के ठीक ऊपर चलाया, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। अब कहीं भी इस फोटो को कहीं भी आप उठा के रख सकते हैं, नीचे ऊपर जहाँ दिल करे आप इस तरह ड्रा करके आप इसको लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो ग्राफिक है मेरा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अब इस ग्राफिक को मैं चाहता हूँ ये जो तस्वीर है ठीक मेरा ये जो लिखावट है ठीक इसके ऊपर आए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए जिस तरह हम लोग लेयर में काम करते सेम उसी टेक्निक से इसमें भी काम होगा। ये जो टेक्स्ट वाला लेयर है ठीक इसके ऊपर वाले लेयर पे ला के रख देना होगा। जैसे यहाँ पे लेयर का पैलेट में ध्यान से देखिएगा तो देखिए ऊपर वाला लेयर पे मेरा ये तस्वीर है और ठीक नीचे वाला लेयर पे देखिए मेरा टेक्स्ट है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट वाला जो लेयर है ठीक उसको ऊपर मैं इस तरह ला के रख दे रहा हूँ। देखिए अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो टेक्स्ट वाला जो लेयर है उसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे भी उसको ड्रैग करके आपको नीचे यहाँ पे लगा देना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए अभी भी देखिए फ़ोटो मेरा देखिए ऊपर है, टेक्स्ट वाला लेयर को मुझे ऊपर ले जाना है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ रखा, अब इसको ठीक यहाँ से मैं नीचे ला दे रहा हूँ। ये देखिए अब क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट देखिए सेम वही टेक्निक में ऊपर नीचे आपको कर देना है बस। देखिए ये देखिए नीचे वाला लेयर पे मेरा वीडियो है ठीक उसके ऊपर देखिए ये वाला मेरा ये तस्वीर है और टेक्स्ट वाला लेयर देखिए सबसे मेरा ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे है। ये देखिए मेरा टेक्स्ट वाला लेयर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मिडिल में करना है फ़ोटो वाला। तो फ़ोटो वाला लेयर को मैंने क्लिक किया, फ़ोटो वाला लेयर इस जगह जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए लेयर में वही वाला लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको जिधर रखना है आप उसको इधर लेफ्ट राइट मिडिल में रखना है, मिडिल में कर सकते हैं, छोटा बड़ा सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लगाते हैं प्लस आप ग्राफिक लगाते हैं। अब रहा सवाल फाइनली हमें करना क्या है, इसमें एनिमेशंस वगैरह भी लगा सकते हैं, इस रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है, देखिएगा मेरा इस चैनल में देखिएगा, एक फ़ोटोशॉप के नाम से एक आपका प्लेलिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, वीडियो एडिटिंग से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि फाइनली हमें करना क्या है, आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट निकालने के लिए कैसे आउटपुट निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे आप जाइए फाइल में, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रेंडर वीडियो नाम से, यहाँ पे क्लिक करें। करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस देखिए इंस्टॉलाइजिंग वीडियो एक्सपोर्ट। अब थोड़ी देर में एक और विंडो आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आप सेटिंग वगैरह चेंज करके वहाँ से फाइनली आप देखिए आ चुका है रेंडर वीडियो का एक विंडो इस तरह खुल गया। नाम दे सकते हैं फॉर ट्यूटोरियल, अगर मैं लिख देता हूँ फॉर ट्यूटोरियल, ये देखिए मैंने लिख दिया फॉर ट्यूटोरियल लिखा है। लिखने के बाद यहाँ पे आप अलग से किस जगह पे सेव हो रहा है यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करके आप वो फोल्डर चेंज कर सकते हैं, किस जगह आपको इस आउटपुट जो निकाल रहे हो कहाँ पे चाहिए आपको, ये सी ड्राइव, ई ड्राइव, जिस ड्राइव में भी चाहिए, जिस पर्टिकुलर फोल्डर में भी चाहिए, वो आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग उस डेस्टिनेशन बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट A.264 का लिया हुआ है, मीडियम क्वालिटी आप चाहें तो यहाँ से हाई क्वालिटी, अलग अलग यहाँ पे देखिए पाल डीबी पाल सब कुछ अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जिस क्वालिटी में चाहिए। उसके बाद फ्रेम रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो किस फ्रेम रेट अब 29 का चाहिए, कैसा फ्रेम रेट चाहिए, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 29.97 ये फ्रेम ज़्यादातर यूज़ होता है, 24 भी यूज़ होता है, प्लस एनिमेशंस वगैरह के लिए 30 फ्रेम, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं 29 वाला फ्रेम ले लिया और 1280x720 पिक्सल। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, रेंडर पे क्लिक करेंगे फिर रेंडर होगा और आपका आउटपुट वीडियो फाइनल बन के तैयार हो जाएगा। ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग वीडियो के ऊपर कैसे टेक्स्ट लगाते हैं, कैसे इमेज लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, ग्राफिक लगाते हैं, इसी प्रोसेस में हम लोग इस तरह से काम करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है फ़ोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।